हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो हम लोग दो लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, पहला परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। आज तीसरा लेसन पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखते हैं प्रॉफिट लॉस में क्या पढ़े थे, परसेंटेज में क्या पढ़े थे और एसआई में क्या पढ़ना है। तो पहले तो हम परसेंटेज के बारे में जानेंगे कि क्या पढ़े थे, फिर प्रॉफिट लॉस के बारे में, फिर उसके बाद एसआई के बारे में। प्रॉफिट परसेंटेज में हम लोग क्या पढ़े थे, वृद्धि या कमी पढ़े थे, वृद्धि या कमी पढ़े थे। प्रॉफिट लॉस में क्या पढ़े थे, लाभ या हानि पढ़े थे, लाभ या हानि पढ़े थे। और एसआई में क्या पढ़ेंगे, ब्याज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ब्याज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, परसेंटेज में हम किसी संख्या को कितना मानते थे, 100 मानते थे, 100 मानते थे संख्या को। और जब उसमें 10% की वृद्धि होती थी, 10% की वृद्धि होती थी, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाती थी, 110। अगर यहीं पे 10% की कमी होती तो दूसरी संख्या कितनी हो जाती, 90 हो जाती। और प्रॉफिट लॉस में क्या पढ़े थे, 100 रुपया हम क्रय मूल्य मानते थे और 10% का लाभ होता था तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता था, 110 हो जाता था, 110। अगर यहीं पे 10% की हानि होती तो विक्रय मूल्य 90 हो जाता। अब ब्याज में हम क्या पढ़ेंगे, ब्याज में 100 रुपया मूलधन पढ़ेंगे और जब 10% की वृद्धि होगी तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 110 होगा, कितना होगा, 110 होगा। इतनी बात तो आई होगी समझ में। अब देखिए यहाँ पे संख्या पढ़े थे और प्रॉफिट लॉस में ये क्रय मूल्य होता था और ये विक्रय मूल्य होता था। ब्याज में क्या है, ब्याज में ये मूलधन है, ब्याज में हम मूलधन इसे पढ़ेंगे और मिश्रधन पढ़ेंगे। तो इतनी बात तो आई होगी समझ में। अब देखिए हमको क्या पढ़ना है, एसआई पढ़ना है ना। तो एसआई को हम लोग और डीपली समझते हैं। तो देखते हैं एसआई में, मान लीजिए मूलधन है, रेशियो ब्याज, रेशियो मिश्रधन। मूलधन मान लीजिए 100 रुपया है, ब्याज मान लीजिए 10% है, ब्याज 10% है ना। तो ब्याज को हम जब 10% माने हैं तो यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, क्या लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। तो यहाँ पे बटे में 100 लिखेंगे तो 100 रुपया ये क्या है, मूलधन है, मूलधन। और ये 10 क्या है, 10 ब्याज है, कितने वर्ष का, एक वर्ष का ब्याज, 1 ईयर का ब्याज 10 रुपया है। तो 2 ईयर का ब्याज कितना होगा, 20 रुपया होगा। 3 ईयर का ब्याज कितना होगा, 30 रुपया होगा। तो यहाँ पे देखिए ब्याज क्या है, आरटी है। तो यहाँ पे हम आरटी लिखेंगे, आरटी ही का तो गुणा हो रहा है तभी तो 10 आ रहा है, 20 आ रहा है और 30 आ रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए 10% दर तो हम माने ही हैं, समय जो है समय 3 वर्ष मान लेते हैं, कितना, 3 वर्ष। तो ब्याज कितनी हो जाएगी, 30 होगी, 30 रेशियो मिश्रधन कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 होगा। तो इसी मेथड से हम लोग सवाल लगाते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं, 150 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ब्याज दिया है 100 रुपया। तो यहाँ पे देखिए मूलधन 100 रुपया मानेंगे, कितना मानेंगे, 100 रुपया रेशियो ब्याज। ब्याज क्या होता है, आरटी होता है। तो ब्याज आर दिया है 4%, 4% आर दिया है और ये कह रहा है 6 महीने के लिए, 6 महीना दिया है और
तो 6 महीने को हम क्या लिख सकते हैं? आधा वर्ष लिख सकते हैं ना, तो गुणे 1/2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 2 होगा। फिर मिश्रधन की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, तो ब्याज दिया है 150, तो ब्याज के नीचे हम 150 लिखेंगे। और ये पूछ रहा है मूलधन कितना होगा, मूलधन मान लीजिए एक्स है, तो यहाँ पे हम बटे करेंगे, यहाँ से रेशियो हटाएंगे, इक्वल टू, तो 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 75 का गुणा 100 में कराएंगे तो मूलधन कितना आएगा, 7500 रुपया। ये आपका मूलधन आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ब्याज की वार्षिक दर बताना है, तो मूलधन, इसमें भी हम मूलधन 100 मानेंगे। कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। और कह रहा है 3 वर्ष में, 3 वर्ष, टी दिया है 3, आर तो निकालनी ही है, इनटू आर। और ये कह रहा है 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो मिश्रधन कुछ नहीं दिया है। फिर ये कह रहा है 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी, 7/6, जब भी कहेगा स्वयं की, तो इसमें क्या होगा, मिश्रधन होगा और मूलधन होगा, तो मिश्रधन हमेशा ज़्यादा ही होता है, तो ये मिश्रधन हो जाएगा और ये मूलधन हो जाएगा। तो मिश्रधन के नीचे हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। रेशियो मूलधन 6 दिया है, तो मूलधन के नीचे हम 6 लिखेंगे। रेशियो, अब देखिए इन दोनों का अंतर ब्याज होता है, तो दोनों का अंतर कितना है, 1 आ रहा है, तो हमको दर निकालनी है, यहाँ पे बटे में करेंगे और इक्वल टू, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, आर इक्वल टू 50/3%, ये दर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है, वह राशि बताओ। तो राशि बताना है, सॉरी यहाँ पे 9 रहेगा, 3 × 9, 50/9 होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5% वार्षिक दर दिया है, दर कितना दिया है, 5%, तो यहाँ भी हम मूलधन 100 मानेंगे, 100 रुपया मानेंगे। कितना मानेंगे, 100 रुपया। और ये कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों, दर दिया है 5% और समय दिया है 3 और 4, 2 समय इसमें दिया है। फिर कह रहा है साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर, 42 रुपये का अंतर दिया है, ब्याज का अंतर। जब यहाँ पे अंतर दिया है तो हम इसका भी अंतर निकालेंगे, तो 3 और 4 कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, तो 5 में हम 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, तो ब्याज हो जाएगा 5। फिर कह रहा है साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है, 42 रुपये का अंतर दिया है और निकालना है हमें मूलधन, वह राशि बताओ। तो मूलधन निकालना है, मूलधन मान लीजिए एक्स रुपया है, बटे में करेंगे, यहाँ से रेशियो हटाएंगे, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 42 × 2 में कराएंगे तो ये 84 आ जाएगा, 840 रुपया मूलधन आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1500 रुपये की धन राशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.5 रुपया है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए। इसमें ब्याज दर का अंतर बताना है। इसमें भी हम मूलधन 100 मानेंगे, कितना, 100 मानेंगे। ब्याज ये दिया है, ब्याज का अंतर 13.5 रुपया दिया है, और फिर कह रहा है 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त, 3 वर्षों का
तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। जब ब्याज का अंतर दिया है तो दर का भी अंतर होगा, तो दरों का अंतर हम मान लेते हैं आर है, तो 3R हो जाएगा। और वो दिया है ब्याज का अंतर 13.5 रुपया, तो यहाँ पे हम 13.5 रुपया लिखेंगे। फिर मूलधन दिया है, कितना दिया है वो मूलधन, 1500 रुपया दिया है, तो मूलधन के नीचे 1500 रुपया लिखेंगे। बटे बटे इक्वल टू 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 15 × 1 = 15, 15 × 9 = 135, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो R इक्वल टू 0.3%। तो दर कितनी आई, 0.3%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% दर से उधार दिया है, यदि उसकी औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है, दोनों भाग होंगे। इसमें देखिए दोनों भाग निकालना है, तो दिया है 8%, पहला भाग जो दिया है 8% दिया है, फिर दूसरा भाग दिया है 10%, कितना 10%। फिर ये कह रहा है उसकी औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% दिया है, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.8 आएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो 1.2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव हट जाएगा, तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। तो कह रहा दोनों भाग की राशि बताइए, और ये राशि दिया है, कुल राशि दिया है 10,000 रुपया। तो पहले भाग की राशि आई और ये दूसरे भाग की राशि आई, तो अगर हम कुल राशि निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 रुपया आएगा। और ये भी तो कुल राशि दी गई है, ये किताब वाली राशि है और ये हमारी आई है, तो 5 में हम कितने से गुणा करा दें कि 10,000 आ जाए, तो 2,000 से अगर हम गुणा करा देंगे तो 10,000 हमको मिल जाएगी। तो 2,000 से पहली भी राशि में गुणा कराएंगे, 2,000 से, तो 2,000 से इसमें भी गुणा कराएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4,000 और 6,000 दोनों राशि आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1600 रुपये की धन राशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपया है, ब्याज की दर है, तो इसमें ब्याज की दर बतानी है। मूलधन इसमें हम 100 रुपया मानेंगे, मूलधन 100 रुपया मानेंगे। ब्याज क्या होता है, RT होता है, और ये कह रहा 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज, दो वर्ष तीन माह दिया है, तो इसे भी हम वर्ष में चेंज करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8, 1 = 9, 9/4 ये ब्याज हो गया। फिर ये कह रहा है साधारण ब्याज 252 है, साधारण ब्याज कितना दिया है, 252 दिया है, निकालना क्या है, दर निकालनी है, तो यहाँ पे आर भी तो रहेगी, RT का गुणा कराते हैं ना, और मूलधन कितना दिया है, 1600 रुपया दिया है, तो 1600 बटे में करेंगे, इक्वल टू 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। यहाँ पे देखिए 9/4 है ना, तो 4 को हम नीचे लिख सकते हैं ना, तो नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे 9R होगा, तो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63, R इक्वल टू 7%। दर कितनी आई, 7% आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज दर क्या होगा, इसमें ब्याज दर बताना है। मूलधन हम कितना मानेंगे, 100 मानेंगे, रेशियो, और वो कह रहा है दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान है। वार्षिक दर
और समय दोनों समान है तो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर होगा। जब दोनों समान होगा तो आर इंटू आर करेंगे ना, तो ये आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर। और ये दिया है ब्याज मूलधन का 4/9 है, ब्याज मूलधन का 4/9 है, तो मूलधन को हम ब्याज के नीचे लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे बटे मूलधन। तो ब्याज कितना है? 4 है, मूलधन 9 है, तो मूलधन के नीचे हम 9 लिखेंगे और ब्याज के नीचे कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे, 4 बटे में करेंगे इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 400/9, 400/9 आर स्क्वायर। तो जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? आर इक्वल टू 20/3%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपया हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन बताइए। नया मिश्रधन इसमें बताना है, और 400 रुपया मूलधन दिया है, मूलधन 400 रुपया दिया है, और ये कह रहा है 4 वर्ष में 480 रुपया हो जाती है। 4 वर्ष में कितना? 480 रुपया हो जाती है, तो ये मिश्रधन होगा। क्या होगा? मिश्रधन होगा। फिर ये कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, तो ब्याज की दर किस में वृद्धि होती है? मूलधन में वृद्धि होती है, तो 400 × 2% है, बटे हम 100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, तो 4 × 2 = 8, 8 रुपया ये क्या आया? ब्याज आया। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है? 4 वर्ष दिया है, तो 1 वर्ष का ब्याज 8 रुपया आया है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 32 रुपया होगा, 32 रुपया। तो ये पहले 4 वर्ष का मिश्रधन कितना था? 480 रुपया था, और अब ब्याज कितना मिल रहा है? 32 रुपया मिल रहा है, तो कुल कितनी राशि हो जाएगी? 512 रुपया हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो मूलधन, मूलधन इसमें 100 मानेंगे, मूलधन 100 रुपया मानेंगे, रेशियो ब्याज आर टी। तो ये कह रहा है किस राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज, 10 वर्षों का, 10 वर्ष दिया है, समय 10 दिया है, और दर निकालनी है, यहाँ पे रेशियो लगाएंगे। फिर ये कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। मूलधन को हम नीचे लिखेंगे, मूलधन यहाँ से मूलधन मिटाएंगे, तो ब्याज 2 रुपया है, मूलधन 5 रुपया है, तो मूलधन के नीचे हम कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे, 5 रेशियो ब्याज के नीचे कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 2/0 = 0 कैंसिल होगा, और 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो आर इक्वल टू 4%। दर कितनी आई? 4%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो इसमें समय बताना है, मूलधन, मूलधन हम 100 मानेंगे, कितना? 100 मानेंगे। तो ये कह रहा है 8% वार्षिक दर से, दर दिया है 8, समय निकालना है, इंटू टी लिखेंगे। फिर ये कह रहा है ब्याज मूलधन का 2/5 है, ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो यहाँ पे मूलधन लिखेंगे, यहाँ से मूलधन मिटाएंगे, तो ब्याज 2 रुपया है, मूलधन 5 रुपया है,
तो यहाँ पे मूलधन के नीचे कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ब्याज के नीचे कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 2 बटे, तो 2 एक के 2, 2 चौक 8, 5 एक के 5, 5 दूनी 10, 4 एक के 4, 4 पंचे 20, तो t इक्वल टू 5 वर्ष।